जंग जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ में शकील उर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ कराची में एहतजाज आज भी किया गया। एहतजाजी कैंप में वकला बरादरी, सिविल सोसाइटी, सियासी रहनुमा और सहाफती तंजीमों के अहदेदारान और कारकुनान ने शिरकत की। जंग जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ कराची में आज भी एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। आज़ादी गली में लगे एहतजाजी कैंप में सियासी, समाजी, मजहबी रहनुमा, वकला बरादरी, असातज़ा और सिविल सोसाइटी के अराकीन ने शिरकत की। सदर कराची प्रेस क्लब इम्तियाज़ फरहान ने कहा कि मीर शकील उर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज उनकी रिहाई तक जारी रहेगा। इंशाअल्लाह इस जद्दोजहद की कामयाबी भी हमारे नसीब में है। गिरफ्तारी जब मीर शकील ने खुद को साबित कदम साबित कर दिया तो हम सब भी उनके पीछे साबित कदमी ना सिर्फ मुजाहरा करेंगे इंशाअल्लाह साबित करके दिखाएंगे। तर्जुमान एसोसिएशन ऑफ कैमरा जर्नलिस्ट सदीक संगार ने कहा कि मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी आज़ादी सहाफत पर हमला है। मुजाहरे से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इकबाल खाकसार, सेक्रेटरी जावेद प्रेस राना मोहम्मद यूसुफ और दीगर ने भी खिताब किया और इस अज़्म का इजहार किया कि मीर शकील उर रहमान की रिहाई तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन फरहान इलियास के साथ राना जावेद, जियो न्यूज़ कराची।